हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ओके, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ ओपन माइंड करके देखें। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी आप ये रीडिंग देख सकेंगे। सभी जोडियक साइन के लिए हैं। ओके, और सभी एज ग्रुप के लिए हैं। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं अपने पार्टनर के लिए। ओके, अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानने के लिए आज हमने दो डेक यूज़ किया है। इन दोनों में से जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ये एनर्जी ओरेकल डेक है। ओके, और ये राइडर वेट टैरो डेक है। इसमें से जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो आप चूज़ करें। आप चाहे तो दोनों की रीडिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है रीडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो आप दोनों में से एक डेक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगता है आप उसकी रीडिंग देखें। सबसे पहले हम एनर्जी ओरेकल डेक चूज़ करेंगे। टाइम इस टाइम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, चलिए। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, जिन्होंने एनर्जी ओरेकल डेक चूज़ किया है उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, प्लीज़ हमें बताएं। स्पिरिट लाके जो कैप्टन, लाके जो यूरियल, लाके जो चैम्बर, लाके जो मैटर, प्लीज़ हेल्प अस एंड गाइड अस। कलेक्टिव लेवल पर बताइए हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं उन्हें लेकर। ओ माय गॉड, हैप्पी फैमिली, अरे वाह, बहुत प्यारा कार्ड है। ओके, देखते हैं ये कौन सा कार्ड है जो मुड़ गया हुआ है आने के लिए। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। गाइस देखिए, मैं देखिए ये कार्ड तो आप सभी को पता है, हैप्पी फैमिली मतलब रीयूनियन करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। देखिए, आप मैरिड हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों का काफ़ी समय से सेपरेशन चल रहा है, तो भाई यहाँ पे अपने मैनिफेस्टेशन का टाइम बढ़ा दीजिए बहुत जल्दी। और जो लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उनको रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलने वाला है कि आपके पार्टनर से आपका पूरी तरह से बहुत खूबसूरती से रीयूनियन होने वाला है। देखिए, आप सिंगल हैं तो बहुत ऑब्वियस है शादी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, वो ये सोच रहे हैं कि आपसे शादी की जाए, आपके साथ रीयूनियन किया जाए। आपके बच्चे हैं और आप दोनों सेपरेशन में, तो अपनी फैमिली बनाई जाए बहुत अच्छे से। ओके, उनकी एनर्जीज है कि रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी थी, रिश्ते में जो भी थर्ड पार्टी थी, रिश्ते में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, झगड़े थे, आर्ग्यूमेंट, सब कुछ दूर कर दिए जाएं और रिश्ते में प्यार के दरवाजे खोल दिए जाएं, उस रिश्ते को हील किया जाए। हो सकता है आपने हीलिंग ली है, कोई पर्सन आपकी हीलिंग कर रहा है, या फिर आपके रिश्ते के लिए ये कह सकती हूँ कि हीलिंग की ज़रूरत है। तो अगर आप हीलिंग नहीं कर सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, तो सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या, खुद पॉजिटिव रहे, रिश्ता हील हो जाएगा। ओके, देखते हैं आगे क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए। वाह, केयरिंग कनेक्शन। भाई आज के कार्ड्स बड़े खूबसूरत आ रहे हैं और आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है आपके लिए। आपके पार्टनर रीयूनियन करना चाहते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत प्यार आ रहा है उनके मन में। आप थोड़ी सी नाराज़गी भी दिखाएंगे, तो वो नाराज़गी, अगर पहले उन्हें ऐसा लगता था कि वो नाराज़गी झगड़े में बदल जाएगी, यहाँ पे आपके लिए 4 बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। यहाँ 14 है, 34 एंड 4, यहाँ से अपन 4 लेते हैं, 4 4 ट्रिपल 4 4 एंड 4, यहाँ पर 4 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। या तो आपको दिख रहा होगा 0 4 0 4 ट्रिपल 4 डबल 4 डबल 4, ये एंजल नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे। जब भी इस तरह के एंजल्स नंबर दिखाई दें, आपको अपनी विश मांगनी है। ओके, और बिल्कुल पॉजिटिव होना है, फिर वो डाउट्स क्रिएट नहीं करने। जो आप लोग डाउट्स क्रिएट करते हैं, वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा प्यार आ रहा है, वो वापस इस रिश्ते में आना चाहते हैं। ये कार्ड जितनी पॉजिटिविटी दे सकता है, इस कार्ड को देख कर आप अपने रिश्ते को लेकर पॉजिटिव हो सकते हैं। ओके, कि इस रिश्ते में ये कार्ड क्या कहना चाहता है, आपके पार्टनर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं, आपकी एक एक बात उन्हें बहुत खूबसूरत लगती है। जिन बातों पे आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता था, उन बातों पे लेकर अब आपके पार्टनर को आपके ऊपर प्यार आ रहा है। ठीक है, आपको व्हाइट कलर का कोई बर्ड दिखाई दे सकता है। हो सकता है आपने व्हाइट कलर का टी शर्ट पहना हो, या आपने कुछ ऐसा पहना हो जिसके ऊपर रेनबो बना हुआ हो। ओके, मुझे ऐसा लगता है आप में से किसी ने अपने गार्डन में से, या फिर कहीं आप रास्ते पे हैं, या फिर आज आपका ऐसा मन है कि आप छोटे छोटे फ्लावर उठाकर उनका एक बंच बना के अपने पास रखने वाले हैं, या तो रख चुके हैं आप। या आपको अचानक से किसी पेड़ से गिरे हुए बहुत सारे फ्लावर्स मिले हैं। अप्रिसिएशन,
आपके पार्टनर की एनर्जी से उन्होंने अपने आसपास के लोगों से, अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात की और काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जिस तरीके से आप रहते हैं, जिस तरीके से आप उन्हें संभालते थे, जिस तरीके से आप उनके साथ इस रिश्ते में रहते थे, जिस तरीके से आप उनको प्यार करते थे, आप अपने करियर में, आप अपनी स्टडी में, आप अपने घर संभालने में जिस तरीके से आपने उनको साथ दिया, इस रिश्ते को संभाला है, वो सभी चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत बातें कही गई हैं आपके लिए आपके पार्टनर ने अपने फ्रेंड से, फैमिली से। ओके, तो यहाँ पर जो भी नेगेटिव है ना, नेगेटिविटी है, उसको आप ज़रा भूल जाएं और जो पॉजिटिविटी है उसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि हम लोग का थोड़ा सा नेचर होता है, हम पॉजिटिविटी छोड़कर सिर्फ नेगेटिविटी की ध्यान देते हैं। अच्छा, वो तो ऐसे कैसे तारीफ़ कर सकता है या कर सकती है, वो तो मेरे से हेट करता है या हेट करती है, वो तो सेपरेशन में, हमारा दिमाग यहाँ चले जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं सोचे, डोंट टू वैल्यू। देखिए, यहाँ पर आपके किसी के पैसे अगर कहीं रुके हैं तो वो मिल सकती है, थोड़ी अलग एनर्जी है, कुछ फाइनेंशियली आपको प्रॉफिट हो सकते हैं। ओके, आप में से किसी ने रिसेंटली गोल्ड ख़रीदा है या गोल्ड बुक कराया है? ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ने कुछ आपको गोल्ड का देने का सोचा है और आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ आई है। जितनी वैल्यू आप चाहते थे कि आपके पार्टनर समझें आपकी, उतनी ही वैल्यू आपके पार्टनर करने लगे। उन्हें समझ आया कि भाई सारी चीज़ें एक तरफ, मेरा पार्टनर एक तरफ, उसकी एनर्जीज एक तरफ। हाँ, इस तरीके की एनर्जी है आपके पार्टनर की। मुझे किसी ने लग रहा है किसी ने कुछ ब्लू कलर का या स्काई ब्लू कलर का भी पहना है आप में से। हाँ, या कर्टन हो सकते हैं, बेडशीट हो सकती है। भैया, आपके पार्टनर ना आपकी तरफ आने का रास्ता खोज रहे हैं कि किस तरीके से इस रिश्ते की फिर से शुरुआत की जाए, क्योंकि जो स्यापा वो करके गए थे ना, उसको समेटना आसान नहीं है। वो कुछ तो ऐसा करेंगे कि भाई मेरे पार्टनर से मेरे को किस तरीके से जाना है, किस तरीके से पहले कॉल करूं, मैसेज करूं, या सोशल मीडिया पे उसको अनब्लॉक करूं, व्हाट्सएप पे अनब्लॉक करके उसको किस तरीके से अपना स्टेटस दिखाऊं, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है। ओके, बाबा, आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत एक्शन होगा आपके पार्टनर का आपकी तरफ। ओके, नेगेटिव कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिविटी पीछे छूट जाएगी, आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे बहुत स्पीड में, आप देर नहीं लगाएंगे वो। हाँ, सिक्स चक्र आर्केंजल मैटाडोन, आप लोगों के रिश्ते के ऊपर आर्केंजल मैटाडोन की ब्लेसिंग्स हैं, गॉड एंड गॉडेसेस आपका साथ दे रहे हैं इस रिश्ते को पॉजिटिव करने में, आप लोगों के इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में, आप लोगों की फैमिली को मिलाने में, फैमिली बनाने में। सिंगल्स के उनके साथ अपने पार्टनर के साथ शादी दिखाई दे रही है, रीयूनियन है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा से रिश्ता होने वाला है। आपके पार्टनर की भी एनर्जीज आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। भैया, पर आपका नेगेटिव होना बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो ये थी जिन्होंने एनर्जी ओरेकल डेक यानी पाइल नंबर 1 चूज़ किया था। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, चलिए, आपको अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है, खुद को रीडिंग के साथ कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। चलो, ठीक है, ठीक है। स्पिरिट हमें डिवाइन गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज को, फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर। ओ वाओ, फॉर अ वांट्स। ओके, वाओ, द चैरियट। Eight of Swords, okay. Oh, Four of Swords, ठीक है।
ओ वाह, आज की रीडिंग बाबा ऊपर वाला करे, जल्दी आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन हो जाए और जल्दी जो सिंगल है उनके पार्टनर से उनकी शादी हो जाए, जो मैरिड है जल्दी साथ होने लगे, जल्दी एक साथ रहने लगे, थर्ड पार्टी हमेशा हमेशा के लिए आप सभी की लाइफ से चले जाए। फोर ऑफ वांड्स एंड टेन ऑफ कप्स साथ में आए गाइस, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। बस अब आप ये सोच लीजिए आपके रिलेशनशिप में, आपके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी चल रही है भले से कैसी भी हो, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आपके पार्टनर के साथ जस्टिस होगा आपके रिलेशनशिप में। वाव, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके ठीक है। एट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, क्योंकि वो ठीक है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम में है, एस ऑफ वॉन्ट्स ठीक है। रिलेशनशिप में मजबूती तो आने ही वाली है भाई। यहाँ पे जो जिन्होंने पाइन नंबर टू चूज़ किया था उनके लिए भी बड़ी खूबसूरत सी रीडिंग है, और जिन्होंने पाइन नंबर वन चूज़ किया था उनके लिए तो बहुत प्यारी एनर्जी है उनके पार्टनर की। अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो भाई यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। दो कार्ड ऐसे आए हैं जो दिखाते हैं कि सेलिब्रेशन तो होना ही है आपके पार्टनर के साथ, आपका एंगेजमेंट हो सकती है, रोका हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है, शादी हो सकती है, ठीक है। आपके पार्टनर के साथ आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स थी वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी होने में दिक्कतें आ रही थी वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। दिक्कतें हो सकती हैं आपके पार्टनर से आपकी शादी होने में, कास्ट रिलीजन एज गैप, एक मैरिड एक अनमैरिड, इस तरीके से आप दोनों हो सकता है कि शादी करना चाहते हो, फैमिली की वजह से आप लोग सेपरेशन में हो, तो ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो पूरी तरह से ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। जिनके पार्टनर की भाई फैमिलीज़ नहीं मान रही थी, फैमिलीज़ मान जाएंगे आपके पार्टनर की आपके इस रिश्ते के लिए। जो भी नेगेटिविटी थी सब खत्म हो जाएगी, आपके पार्टनर नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी सिचुएशन चल रही है आपके रिलेशनशिप में उसे अपने कंट्रोल में ले लेंगे। पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी मे बी की एनर्जी में थे आपके पार्टनर, तो उनके जो थॉट्स हैं वो थोड़े से ठहराव वाले हो जाएंगे, क्योंकि अब उन्होंने डिसाइड किया वो आपके साथ शादी करेंगे। एट ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे थे आपके पार्टनर, ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ शादी का प्रॉमिस करके पीछे हट गए, शादीशुदा होते हुए भी आपके साथ सेपरेशन में आ गए। तो यहाँ पर क्या है आपके लिए, जो सिचुएशन में बंधे हुए थे क्योंकि उन्होंने फैमिली की, सोसाइटी और अपने खुद के नेगेटिव थॉट्स, ये सब की वजह से अपने आप को बांध लिया था, इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और आपको सेपरेशन में डाल दिया, ब्लॉक कर दिया, तो उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में है, काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है। ये सब चीज़ें होने के बाद फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई अब इस सेलिब्रेशन को शादी में बदल दिया जाए, शादी कर लेनी चाहिए मुझे मेरे पार्टनर से, जो भी थर्ड पार्टी है उससे निकल जाना चाहिए और मुझे अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन करना है। हो सकता है आपके दो बच्चे हों और आप लोगों ने कहते हैं ना, जब इंसान एक रिश्ते में होता है, खूबसूरत रिश्ता चाहता है, तो वो सोचता है ठीक है हमारे दो बच्चे होंगे, उनका नाम ये रखेंगे हम लोग को इस तरीके से घर बनाना होगा। वो सारे सपने जो आपने अपने पार्टनर के साथ देखे थे वो सारे आपके पार्टनर के साथ ही आपके पूरे होंगे। ओके, थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, ज़रूर आपके पार्टनर आपके साथ आके रीयूनियन करेंगे, आप दोनों सेलिब्रेट करेंगे अपने रिश्ते को, अपने रीयूनियन को। कोई एक पॉजिटिव पर्सन होगा जो आप दोनों को मिलाने का काम करेगा, जो दिल से चाहता है कि आप दोनों एक हो जाएं, ठीक है, उस पर्सन को आपको खोजना है, अपने दिल की बात बतानी है और उससे हेल्प लेनी है। वैसे तो ये सब नहीं करेंगे तो भी गॉड एंजल के रूप में आपके पास उस पर्सन को भेज देगा बहुत जल्दी। जस्टिस होना है अब इस रिश्ते में, कुछ नेगेटिव नहीं होगा, बैलेंस आएगा, जस्टिस होगा, बहुत खूबसूरती से ये रिश्ता अब आपके पार्टनर के साथ आपका आगे बढ़ जाएगा। कोई दोराहे की बात नहीं है कि आपके आप में से किसी ने रेड कलर, येलो कलर, सी ग्रीन या वाइट पहना हो सकता है। ओके, यहाँ पर जस्टिस होना ही है। अब बात यहाँ पे आती है कि ब्लॉकेजेस कहाँ क्रिएट होते हैं। ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं जहाँ आप नेगेटिव हो जाते हैं। मैं सभी चैनल्स पर जब भी रीडिंग करती हूँ आप सभी को, मैं एक बार ज़रूर 3 से 4 बार एक रीडिंग में ज़रूर बोलती हूँ आपका पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा काम है, बहुत आसान काम नहीं है पॉजिटिव रहना अपने रिश्ते के लिए, उस रिश्ते में जिसमें आप सेपरेशन में चल रहे हो। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर कहाँ पे बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, क्योंकि हो सकता है उनके लाइफ में उनकी मम्मा हो, उनको एक थर्ड पर्सन हो, कोई ऐसा पर्सन हो जो आपके पार्टनर को आपकी तरफ नहीं बढ़ने देना चाहता है, लेकिन उससे निकल कर आपके पार्टनर यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव कुछ भी नहीं है, बहुत खूबसूरत कार्ड चाहें, जो भी नेगेटिविटी है सब भूल जाइए, सिर्फ अपने रिश्ते को लेकर पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। ओके, तो ये थी पाइन नंबर 2 की रीडिंग, आई होप आप सभी को पसंद आई है।
और अपना बहुत सारा ध्यान रखना है, हमेशा खुश रहना है। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे जीमेल पे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, ऊपर वाला ज़रूर आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन करवाएगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।